गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं जितेंद्र बेनीवाल आज फिर आपका स्वागत करता हूं 11 जून 2021 के करंट अफेयर के सेशन में। तो चलिए पहले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। आपके स्क्रीन पे पहला क्वेश्चन शो हो रहा होगा, कोशिश कीजिए इसका आंसर देने की। क्वेश्चन क्या है, 8 जून 2021 को किस राज्य सरकार ने भारत रत्न और पद्म पुरस्कारों की तर्ज पर पुरस्कार देने की घोषणा की है। भारत रत्न और पद्म पुरस्कारों की तर्ज पर पुरस्कार देने की घोषणा की है। यहां पे पद्म पुरस्कार आएगा बच्चों। तो इसकी बात करें, असम किसने शुरू की है बच्चों, ये शुरुआत की है असम ने। असम की अब बात करें हम, असम की जो राजधानी है वो क्या है, असम की राजधानी है दिसपुर। क्या है बच्चों, दिसपुर यहां की राजधानी है। उसके बाद बात करें असम के गवर्नर, असम के गवर्नर कौन है, इसके जो गवर्नर है वो है जगदीश मुखी। कौन है बच्चों गवर्नर, गवर्नर है जगदीश मुखी। और जो यहाँ के सीएम है, सीएम कौन है बच्चों यहाँ के, हिम्मत बिस्वा शर्मा। कौन है, हिम्मत बिस्वा शर्मा क्या है, असम के सीएम है। और जगदीश मुखी यहाँ के क्या है, गवर्नर है। और काजीरंगा नेशनल पार्क एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन आता है, और खासकर अब जो एनटीपीसी रेलवे के एग्जाम हुए थे उनमें तो ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट होता है, स्टैटिक जीके का क्वेश्चन बनता है, काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ पे है। तो काजीरंगा नेशनल पार्क असम के अंदर है, और इसके साथ ही मानस नेशनल पार्क कहाँ पे है, ये भी कहाँ पे है बच्चों, ये भी पड़ता है असम के अंदर। उसके बाद आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कौन सा है। हाल ही में नीति आयोग ने पीरामल फाउंडेशन के साथ मिलकर सुरक्षित हम सुरक्षित तुम अभियान की शुरुआत कितने जिलों में की है। यहाँ पे टाइपिंग में एरर है तो किसने नहीं आएगा, यहाँ पे कितने आएगा, कितने जिलों में की है, तो ये की है 112 जिलों में। कहाँ पे की बच्चों, 112 जिलों के अंदर इसकी शुरुआत की है। उसके बाद हम आगे बढ़े और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कौन सा है। बीते दिनों किस देश में सीस नोट आउटब्रेक देखा गया है, तो ये कहां पे देखा गया है बच्चों, ये देखा गया है तुर्की के अंदर। कहां पे, तुर्की के अंदर। और तुर्की की अगर कैपिटल की बात करें तो कैपिटल क्या है बच्चों, अंकारा। क्या है यहाँ की कैपिटल, अंकारा यहाँ की कैपिटल है। अब उसके बाद बात करें करेंसी की, तुर्की की करेंसी से रिलेटेड बहुत बार क्वेश्चन आता है, तुर्किस लीरा क्या है बच्चों, तुर्किस लीरा क्या है यहाँ की मुद्रा है। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कौन सा है। 8 जून 2021 को किस चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया है, 8 जून 2021 को किसे चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया है, तो ये किया गया बच्चों किसको, अनूप चंद्र पांडे को। किसको किया गया है, अनूप चंद्र पांडे को। अब आपसे क्वेश्चन है कि इससे पहले चुनाव आयोग के अध्यक्ष कौन थे, इससे पहले चुनाव आयुक्त के अध्यक्ष कौन थे। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी एनीमिया मुक्त भारत सूचकांक 2020-21 में कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर रहा है, तो कौन सा राज्य रहा है बच्चों, ये रहा है मध्य प्रदेश एमपी। अब मध्य प्रदेश की अगर बात करें हम, मध्य प्रदेश की जो कैपिटल है वो क्या है बच्चों, वो है भोपाल। इसकी जो राजधानी है वो क्या है बच्चों, भोपाल है। सीएम कौन है यहाँ के, शिवराज सिंह चौहान यहाँ के क्या है बच्चों, सीएम है। शिवराज सिंह चौहान यहाँ के सीएम है। और गवर्नर की बात करें, आनंदीबेन पटेल यहाँ के क्या है बच्चों, गवर्नर है। उसके बाद टाइगर सतपुरा टाइगर रिजर्व अभियान यहाँ के है। उसके बाद पन्ना नेशनल पार्क यहाँ पे है, माधव नेशनल पार्क यहाँ पे है। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कौन सा है। 9 जून 2021 को किस देश ने क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन को देश की वैध मुद्रा घोषित किया है, तो ये किसने किया है, ये किया है अल सल्वाडोर ने। अब इसकी अगर बात की जाए तो जो ये पड़ता है इसकी जो राजधानी क्या है बच्चों, वो सान साल्वाडोर क्या है, इसकी राजधानी है। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कौन सा है। 10 जून 2021 को साल का पहला सूर्य ग्रहण होगा,
सूर्य ग्रहण की स्थिति कब होती है? तो सूर्य ग्रहण की स्थिति कब बनती है बच्चों? जब जो चंद्रमा है ना अपना, जो चंद्रमा है ये सूर्य और पृथ्वी के बीच आ जाता है, तब ये क्या बनती है? स्थिति बनती है। इसके साथ ही बात करें, आपसे क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जाएगा, अब पहला 2021 का पहला चंद्र ग्रहण कब लगा था? क्वेश्चन क्या है आपके इससे, पहला चंद्र ग्रहण कब लगा? और अब मैं बता देता हूं कि चंद्र ग्रहण कब लगता है, जब चंद्रमा और सूर्य के बीच पृथ्वी आ जाती है तब क्या लगता है बच्चों? चंद्र ग्रहण यहाँ पे लगता है। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कौन सा है। 9 जून 2021 को जारी क्यूएसए वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022 में टॉप 200 में भारत के कितने शिक्षा संस्थान शामिल हैं? तो भारत के 3 शिक्षा संस्थान इसमें शामिल है। अब वो पता लगाना है आपको कि वो कौन कौन से संस्थान इसके अंदर शामिल किए गए हैं, पता लगा के लगाना है और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना है कि कौन कौन से वो 3 संस्थान है। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कौन सा है। हाल ही में द टाइम्स द्वारा जारी वर्ष 2020 के 50 मोस्ट डिजायरेबल मैन और वीमेन की सूची में कर्मश शीर्ष स्थान पर कौन रहा? सुशांत सिंह राजपूत और रिया चक्रवर्ती। कौन रहा बच्चों? सुशांत सिंह राजपूत और रिया चक्रवर्ती क्या रहा? शीर्ष पर रहा। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ग्लोबल लिवेबिलिटी रैंकिंग 2021 में पहले स्थान पर कौन सा शहर है? तो ये ऑकलैंड पहले स्थान पर है। अब इसकी बात करें, ये कहाँ का शहर है? ये शहर है बच्चों न्यूजीलैंड का। कहाँ का शहर है ये? ये न्यूजीलैंड का ये शहर है। अब इसकी बात करें राजधानी क्या है, वेलिंगटन इसकी राजधानी है। और अगर मुद्रा की बात करिए, न्यूजीलैंड डॉलर यहाँ की क्या है? मुद्रा है। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कौन सा है। कथन ए, 8 जून 2021 को असम कैबिनेट ने भारत रत्न और पद्म पुरस्कारों की तर्ज पर सोम रत्न या असम रत्न पुरस्कार स्थापित करने का निर्णय लिया है। भारत रत्न देश के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है, इन कथनों में से कौन सा सही है? सत्य कथन पूछा जा रहा है, तो क्या है बच्चों? दोनों ही यहाँ पे क्या है, ये सत्य कथन है। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विश्व ब्रेन ट्यूमर दिवस निम्नलिखित में से किस दिन मनाया जाता है? विश्व ब्रेन ट्यूमर दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है बच्चों 8 जून को। कब मनाया जाता है? 8 जून को मनाया जाता है। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कौन सा है। भारत के नए चुनाव आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया? अनूप चंद्र पांडे को। यह क्वेश्चन दोबारा से रिपीट हो गया है। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, कौन सा देश भारत के टिम MH-60 रोमियो मल्टी रोल हेलीकॉप्टर सौंपेगा? तो ये कौन है बच्चों? ये है यूएसए। कौन सा देश? यूएसए। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस राज्य सरकार ने रायमोना रिजर्व फॉरेस्ट को 6ठा राष्ट्रीय उद्यान नामित किया है? ये किया बच्चों असम ने। उसके बाद जहां वोट वहां वैक्सीन अभियान किस सरकार की एक पहल है? तो ये है बच्चों दिल्ली की। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, 2024 में कौन सा देश FIH हॉकी 5 विश्व कप में मेजबानी करेगा? तो वो करेगा ओमान। कौन सा बच्चों? ओमान। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बस तो यही थे बच्चों आज के हमारे 17 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो हमने आज के इस करंट अफेयर के सेशन में किए हैं। उम्मीद है आपको अच्छे लगे होंगे। तो अगर अच्छे लगे हैं तो इनको लाइक और शेयर कर दीजिए।